ऑनलाइन क्लासेस में आपका आज मैं आपके लिए इंग्लिश में वोकैबुलरी से संबंधित कुछ नए वर्ड्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और मेरा मानना है कि जो सीखना है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई समय नहीं होता। जब हमें जिस भी परिस्थिति में जो भी सीखने को मिले हमें ज़रूर सीखना चाहिए। तो मैं खुद भी रोज़ इंग्लिश के दो नए वर्ड्स रोज़ सीखती हूँ, जानती हूँ उनके बारे में, ताकि मेरा भी वोकैबुलरी बढ़े। तो आज मैं एक एक्टिविटी के ज़रिए आप लोगों के लिए भी कुछ वोकैबुलरी इंग्लिश के नए वर्ड्स लाई हूँ, और इसे मैं ए से जेड अल्फ़ाबेट के थ्रू आपको बताऊँगी। और इस अल्फ़ाबेट क्लास के ज़रिए आपको मैं अभी जो बाहर कोरोना बीमारी चल रही है उनसे बचने के उपाय भी बताऊंगी। तो आज हम दो चीज़ें एक साथ करने वाले हैं, हम नए शब्द भी सीखेंगे और कोरोना से में बरतने वाली सावधानियां भी हम इसी के द्वारा सीखेंगे। और इस वीडियो इस एक्टिविटी के बाद आप मुझे इस एक्टिविटी से सीखे गए कोई भी पांच नए वर्ड्स, उनकी स्पेलिंग, उनका मतलब मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस एक्टिविटी से आपका कितना वोकेबुलरी इम्प्रूव हुआ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि ए से जेड तक मैंने अल्फ़ाबेट चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने कोरोना से फाइटिंग के लिए उपाय भी उसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट ए में लिखा है अवॉइड क्राउड, क्राउड यानी भीड़ होती है बच्चों, और अवॉइड यानी नज़रअंदाज करना, तो हमें भीड़ को नज़रअंदाज करना है। बी फॉर बी वेयर ऑफ फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ यानी बच्चों गलत न्यूज़, अफवाहें जो होती है, तो हमें उन अफवाहों से, ऐसे न्यूज़ से हमें बच कर रहना है। सी फॉर क्लीन योर हैंड, हमें अपने हाथों को क्लीन करना है, साफ़ करना है। डी फॉर डोंट गो आउट, हमें बाहर नहीं जाना है, आउट यानी बाहर, डोंट गो यानी मत जाओ, मत जाओ बाहर। ई ई फॉर है एम्प्टी द स्ट्रीट्स, यानी स्ट्रीट्स यानी सड़कें, और एम्प्टी यानी खाली, तो हमें सड़कों को अभी खाली रखना है। एफ़ फॉर बच्चों फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब होता है बच्चों सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों, सांप्रदायिकता मतलब होता है हमें किसी एक ही जाति या धर्म के प्रति या उसके उससे संबंधित हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, उससे संबंधित हमें कुछ भी कमेंट्स या कृत्य नहीं करना है, हमें सभी धर्मों को एक मानना है और इस सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें लड़ना है। जी फॉर गैदरिंग इज़ बैड, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, तो आज के समय में इकट्ठा होना जो है वो बैड माना गया है। एच फॉर हैंड सैनिटाइजिंग, हमारे हमें अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइजर या साबुन से साफ करते रहना है। आई फॉर इनसाइड द होम, हमें अपने घर के अंदर ही रहना है। जे फॉर जॉइन फाइट अगेंस्ट कोरोना, तो कोरोना के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, और जॉइन फाइट यानी युद्ध को, युद्ध में शामिल होना, तो हमें कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमें बच्चों शामिल होना है। के फॉर काइंड टू द नीडी, नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंद बच्चों, अभी जो भी ज़रूरतमंद है उसे हमें, उनके प्रति हमें क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए यानी अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा हो। एल फॉर लव योर फैमिली, अभी जो भी समय मिल रहा है आप अपने फैमिली से प्यार करिए। एम फॉर मेडिटेट डेली, मेडिटेट मेडिटेशन बच्चों ध्यान होता है, ध्यान करना, तो हमें जब भी समय मिले, सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, हमें मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। एन फॉर नो टू हैंडशेक्स, हमें किसी से भी हैंडशेक यानी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ओ फॉर ऑफर हेल्प टू ईच अदर, हमें एक दूसरे को हेल्प के लिए ऑफ़र करना चाहिए यानी बोलना चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, ऐसा हमें ऑफ़र करना चाहिए। पी फॉर प्रैक्टिस योर पैशन,
प्रैक्टिस योर पैशन मतलब होता है बच्चों, पैशन यानी हमारे हम सब के अंदर एक ना एक जुनून होता है, कोई कला होती है जिसे हम समय की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाते। जैसे मेरे अंदर पैशन है किताबें पढ़ने का, तो प्रैक्टिस योर पैशन, तो अभी जो समय हमें मिल रहा है उस पैशन को हमें प्रैक्टिस, अपने जुनून को हमें अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यू मतलब होता है, क्यू फॉर क्वारंटाइन योर सेल्फ। क्वारंटाइन यानी बच्चों, यदि आपको आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें सर्दी खांसी बुखार के लक्षण हैं, तो क्वारंटाइन योर सेल्फ मतलब अपने आप को दूसरों से अलग रखो, उनसे दूरी बनाकर रखो। आर फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग यानी बच्चों हमें नियमित एक्सरसाइजिंग करनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। एज़ फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल यानी सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज से जुड़े हुए लोगों से और स्थानों से हमें दूरी बनाकर रखना है। टी फॉर ट्रैवलिंग इज़ डेंजरस, अभी के समय में ट्रैवलिंग यानी घूमने से, घूमना जो है वो क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है। यू फॉर यूज़ मास्क, हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। वी फॉर विजिट योर डॉक्टर हेल्प ऑनलाइन, यदि आपको कोई भी डॉक्टर की सहायता चाहिए या उनका कंसल्टेशन चाहिए तो आप उनसे ऑनलाइन फ़ोन पे या फिर मेल पे उनसे बातचीत करके अपनी बीमारी या अपनी परेशानी को उनसे बता सकते हैं और दवाइयाँ भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। डब्ल्यू फॉर वेपनाइज्ड इम्यून सिस्टम, तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी बॉडी की, उसको इतना वेपनाइज्ड मतलब वेपन मतलब होते हैं हथियार, और हमें अपने इम्यून सिस्टम को इतना हथियारों से भर देना है, यानी उनको हथियारों की इतनी ताकत देनी है कि यदि कोरोना हमारे शरीर में किसी भी कारण से अगर आक्रमण करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वेपोनाइज्ड हो जिससे वो लड़ सके। एक्स फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर एल्डर्स, एल्डर्स यानी बड़े बूढ़े, हमारे घर में जो भी बड़े बड़े बूढ़े हैं उनके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और वाई फॉर योर अवेयरनेस इज़ अ प्रिवेंशन, तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो जागरूकता है, वो ही आपको बचाएगा। एंड जेड फॉर ज़ीरो फेस टचिंग, तो हमें फेस को बिल्कुल भी अपने चेहरे को नहीं छूना है, ज़ीरो टचिंग मतलब शून्य टचिंग है ना, तो हमें बिल्कुल भी अपने फेस को टच नहीं करना है। बच्चों ये जो हम ए से जेड तक आज जो भी पढ़े हैं उसमें आप कई इंग्लिश के नए नए शब्दों को देख रहे होंगे, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाया होगा आपने और इससे संबंधित आपको बहुत अच्छे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने वोकैबुलरी अल्फ़ाबेट चार्ट से वोकैबुलरी अपनी बढ़ाने की कोशिश की है और कोरोना के खिलाफ जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए वो मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, और आप निश्चित ही कुछ नए शब्दों को तो ज़रूर सीखे होंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि आपने किन कम से कम 5 शब्दों को आज मेरे द्वारा इस एक्टिविटी से सीखा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों, मिस यू।